मॉर्निंग गाइस. अभी ना आज मंडे, मैंने बताया था मैंने अपॉइंटमेंट ली थी डॉक्टर से. तो आज है ना हम डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर हम CMH जाएंगे और CSG जाएंगे और मदीना कैश एंड कैरी जाएंगे. आज हमारा डॉक्टर प्लस अपॉइंटमेंट प्लस ग्रॉसरी डे है. और सारा जो सफ़र है उस पर मैं आप लोगों को साथ लेके जाऊंगी और आप देखेंगे मरी के लोग जो है ना कैसे सरवाइव करते हैं. अगर मैं आज के मौसम की बात करूँ ना, तो आज सनी डे है और इस टाइम टाइम हो रहा है 8:20. तो मॉर्निंग का टाइम है, लेकिन फिर भी ठंड तो नाम और निशान नहीं है ठंड का. बस मज़े की हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बाकी कुछ भी नहीं है. चलें जी, अब बस जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, जल्दी से ना अपनी अपॉइंटमेंट अवेल करते हैं. फाइनली जो है ना आज मेरा काम हो जाएगा. रिसेप्शन वालों ने कहा है कि आप जाके ना वेटिंग रूम में वेट करें. मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिली है. तकरीबन 20 डेज़ पहले मैंने अपॉइंटमेंट ली थी और मरी में गिने चुने दो तीन हॉस्पिटल्स हैं. एक जो है GPO के साथ है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ अभी तक मैंने विज़िट नहीं किया, लेकिन वहाँ भी जाएंगे. और उसके अलावा एक ये है. ये रहा मेरा कंप्लीट आउटफिट, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ. काम मेरा हो गया और अब हम जाएंगे CSD और CSD से ग्रॉसरी करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे मदीना कैश एंड कैरी. यहाँ से ना ग्रॉसरी कर ली है मैंने, अब मैं मदीना कैश एंड कैरी पहुँच चुकी हूँ. इस टाइम मैं लिफ्ट पे हूँ, मैं सेकंड फ्लोर पे जा रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए. अच्छा जी, सेकंड फ्लोर जो है ना इनका बहुत ही मज़े का है. इसमें आपको कपड़े बल्कि हर एक चीज़ मिल जाती है. अब मैं क्या क्या आपको बताऊँगी, आप बस स्क्रीन पर देखते जाएँ. यहाँ पे मैंने ली है एक ब्लैक स्प्रे बॉटल, और कल का व्लॉग आप लोगों ने ज़रूर देखना है, उसमें मैं आपको बताऊँगी कि इस स्प्रे बॉटल से मैंने किस तरह से एक DIY क्रिएट किया. अब मैं फ़र्स्ट फ्लोर पर आ गई हूँ. फर्स्ट फ्लोर पे ना फ्रूट और वेजिटेबल के सेक्शन में आ गई हूँ, और यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी और फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपको मिलते हैं, स्पेशली अगर आप मॉर्निंग टाइम में आते हैं तो. अच्छा, यहाँ के जो रेट्स हैं और झीका गली के जो रेट्स हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 19-20 का फ़र्क है, ऐसा कुछ भी नहीं है. अरे गॉड, 19-20 का ही तो फ़र्क है बस. ग्रॉसरी मैंने ऑलमोस्ट कर ली है,
और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फ्रेश जो है ना वेजिटेबल्स थी और बहुत ही मज़े मज़े की थी। अब जो है ना हम लोग चलते हैं घर, और घर जाने से पहले रास्ते को मैं इंजॉय करती हुई गई, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं। One minute later. घर में पहुंच गई हूँ, ग्रोसरी कर लिया मैंने और गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। अब मैं सबसे पहले ना आप लोगों को मरी का आज का वेदर दिखाती हूँ। ये चेक करें मरी का वेदर, इतनी ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा सनी डे है आज तो। ठंडी हवा भी नहीं चल रही, हवा रुकी हुई है और शदीद गर्मी है। चलें जी बस अब वापस जाते हैं घर। घर जो है वो मैं पहुंच चुकी हूँ और इस टाइम 12:30 हो रहा है, तो ब्रेकफास्ट मैं नहीं करके गई थी, तो अभी सबसे पहले मैं करती हूँ लंच। A few moments later. इतनी गंदी वाली भूख लगी है ना, इतना ढेर सारा खाना मैंने गरम कर लिया। क्या कर रहे है यार तू? तो मजाक है क्या? अब देखते हैं मैं कितना ही खा पाऊंगी। फिलहाल मैं टीवी ऑन कर लिया क्योंकि मैंने लिटिल वोमेन देखना है, उसको कंप्लीट करना है। मुझे नींद नहीं आ रही कि पता नहीं आगे क्या होगा उसमें। झूठ बोल रहा है। 2 hours later. फेवरेट। कल देखते हैं इस काम को, अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ। बहुत ज्यादा मजे की मैगी बनाई है मैंने अपने क्राइम पार्टनर से, अभी मैं मैगी एंजॉय करूंगी और साथ में मूवी लगाई है। मूवी का नेम है गोलमाल अगेन। तो अभी 1 मिनट हुआ है हम लोगों ने मूवी लगाई है, मुझे तो बहुत मजे की लग रही है। एंड में मैं आपको बताती हूँ कि मजे की है या नहीं। 1 मिनट में तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे, जितनी मैंने स्टार्ट में देखी ना मूवी तो बहुत ज़्यादा मज़े की थी। फनी हॉरर मूवी थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इट्स टाइम टू स्लीप।